हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल ट्यूनर। और आज मैं एविटा मैकस के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। इसका पर्टिकुलर स्पीड के बारे में आपको कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो जो लोग परचेस कर लिए हैं या परचेस करना चाहते हैं, एक चीज़ समझ लें, इसका स्पीड का कुछ लिमिटेशंस है। पहला बात तो यह है, मैं आपको इसको स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे इस लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है, जस्ट मैं इसको अभी ऑन किया और देखिए कितना ये फास्ट अपना होम स्क्रीन में आती है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालते ही तुरंत ये स्क्रीन ओपन हो जाता है। और अभी मेरा ये वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है इतना जल्दी में। और अभी जल्दी से मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं ओपन करता हूँ। तो ये जो लैपटॉप मैंने अपने दूसरे जो यूट्यूब चैनल है ऑसम टेक राइडर, उसका यूट्यूब एसईओ मैनेज करने के लिए मैंने इसको परचेस किया है। बेसिक मेरा नीड उतना ही था और रिकमेंडेशन भी उतना ही था। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो स्पीड है, जो लैपटॉप का खुद का हार्डवेयर का स्पीड है, ये अपना फुल 100% देती है। बाकी का जो इसका स्पीड का जो मैटर है, ये टोटल इसका इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, स्पीड के ऊपर डिपेंडेबल है। ठीक है, आप उसके लिए लैपटॉप को दोष दे नहीं सकते। तो ये अपना पूरा ताकत लगा देती है, जितना लिमिटेशन इसको दिया गया है स्पीड को बूस्टअप करने के लिए या आपको ठीक ठाक से परफॉर्मेंस देने के लिए। बाकी का जो नेट का जो स्पीड है, इसके ऊपर अभी डिपेंडेबल है। अभी जैसे कुछ देर पहले मैं इस लैपटॉप को जब यूज़ कर रहा था रिव्यू देने के पहले, तब मेरा नेट का स्पीड बहुत अच्छा था, तो इसलिए फटाफट से सब खुल जा रही थी। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये नेट के ऊपर टोटल डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी मैं अपना यूट्यूब जो चैनल है स्टूडियो, उसमें आपको जाके दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है ऑसम टेक राइडर, ये मेनली बाइक का टेक्निकल मैटर, प्रॉब्लम्स और सॉल्विंग के ऊपर है। तो बेसिकली मैं यूट्यूब एसईओ को मेंटेन करने के लिए लैपटॉप मैंने परचेस किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लैपटॉप आप बिंदास परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो लिमिटेशन आप सोच कर रखे हैं, एकदम मिनिमम लिमिटेशन सोच के ये परचेस कीजिए। बहुत हार्ड लोड आप इसमें दे नहीं सकते, और ये लैपटॉप फुल कोशिश करती है अपना सपोर्ट देने के लिए, लेकिन नेट भी आपको 10 out of 10 होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो टोटल बेकार हो जाएगा। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, बिना नेट के एंड्रॉयड मोबाइल एक डिब्बा है और कुछ नहीं। सिमिलरली इस लैपटॉप के ऊपर भी है, अगर नेट नहीं है तो लैपटॉप भी सिंपली एक बड़ा डिब्बा है। तो आई होप गाइस, ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।